यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो एपी दिया गया है और इन दोनों ही एपी के nth टर्म इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये nth टर्म जब इक्वल होंगे तो ये किस टर्म पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी किस n की वैल्यू पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो आपको दो एपी दिख रहा होगा, एक है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और दूसरा जो एपी है ये है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अगर हम पहले एपी की बात करें तो लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट एपी, यानी कि पहले एपी के लिए ए की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो हो जाएगी 63। वहीं अगर डी की बात करें तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा A2 - A1, और A2 की वैल्यू है 65 माइनस A1 की वैल्यू है 63, यानी कि जो डी की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 2। वहीं अगर दूसरे एपी की बात करें तो लिखेंगे फॉर सेकेंड एपी, दूसरे एपी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे पहला टर्म जो कि रहेगा 3, और डी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, और इसको A2 - A1 हम लिख सकते हैं। A2 की वैल्यू यानी कि दूसरे टर्म की वैल्यू जो है वो है 10 और पहले टर्म की वैल्यू है 3। अगर हम D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7। ठीक, अब क्या कर रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन ही कह रहा था कि nth टर्म यानी कि an दूसरे AP का nth टर्म के बराबर है, यानी स्मॉल an, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहीं अगर इसको लिखें तो हम क्या, ये कैपिटल डी से डिनोट किए इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल डी लिखेंगे। वहीं यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन, और इसका डी स्मॉल डी लिखे थे इसलिए स्मॉल डी लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या है 63, प्लस एन की वैल्यू भी तो निकालनी है, और डी की वैल्यू हम 2 पाए थे, यहीं ए की वैल्यू यहाँ पे है 3, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू हम यहाँ पे 7 पाए थे। ठीक है, ये हो जाएगा 63, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हो जाएगा प्लस 2n, और एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 3 लिखे, प्लस 7 का n से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7n, माइनस 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा, 63 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, 3 में से 7 जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। अब n वाले को एक तरफ रख लीजिए यानी कि 7n माइनस 2n, और ये माइनस 4 को इधर भेज दीजिए ये हो जाएगा 61 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5n। तो ये क्या हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 5n। तो n को अगर हम यहाँ अकेले रख दें तो ये हो जाएगा 65, यहाँ ये मल्टीप्लाई इधर आकर के ये हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, और n की वैल्यू 13, यानी कि 13 टर्म्स पे अगर हम आगे जाएंगे तो ये दोनों ही एपी के जो an टर्म होंगे वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे 13वें टर्म जाने के बाद। ठीक है, यानी कि 13वें टर्म पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा an का वो आपस में इक्वल हो जाएगा।